हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बेसिकली जो HS रिजल्ट देने वाला है तो उसके ऊपर थोड़े बहुत हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपके पास क्षमता है सच सुनने का या आपके पास अगर दम है ना, जुनून है ना, तो भी आप ये वीडियो देखें, वरना आप अभी इसी वक्त स्किप कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो यार, हम लोग बात करने वाले थोड़े बहुत ट्रूथ। तो ट्रूथ क्या है कि एक स्टेटिस्टिक्स है। स्टेटिस्टिक्स क्या कहता है कि हर साल जितने बच्चे भी देते हैं HS, उनमें से जो फेल करने वाले बच्चे हैं, है ना, या सेकंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन वाले बच्चे हैं, या जो फर्स्ट डिवीजन जिनके थोड़े हम लोग को लगता है कि अच्छा रिजल्ट हो गए, तो उन लोग का हम लोग देखते हैं रेशियो। तो देखो, जो भी बच्चे फेल करते हैं ना, तो उन लोग का करीब से करीब 30-40% बच्चे हैं जो फेल करते हैं, है ना। मैं मान लेता हूँ 30-35% बच्चे फेल करते हैं, और ये हर साल वेरी करता है। सेकेंड थर्ड भी मान लो आप 30-35 या 40% होता है, और ये भी आपका मान लो कि आपका 30-35% होता है। तो ऑलमोस्ट ये मतलब इक्वल प्रोपोर्शन में होता है कि जो बच्चे फेल करते हैं सेकेंड थर्ड या फर्स्ट डिवीजन, है ना, समझ में आ रहा है इतना। अब देखो, आप इनमें से किसी में भी हो सकते हो, या आप या तो फेल करने वाले हो, या तो सेकेंड थर्ड या तो फर्स्ट, है ना। लेकिन हर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि मेरे को चाहिए अच्छा मार्क, मेरे को चाहिए अच्छा मार्क, मेरे को एक ढंग का कॉलेज में चाहिए, मेरे को एक ढंग का ब्रांच चाहिए, उसमें से मेरे को एक बहुत अच्छा परसेंटेज मिलेगा, फिर मैं एक जॉब करूंगा, फिर मेरी जिंदगी वाह वाह वाह, है ना। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, हम लोग देखेंगे। देखो यार, आप लोग को जो भ्रम में जीव रहे ना कि अगर मेरा परसेंटेज बहुत अच्छा हो गया तो मैं बहुत अच्छा कर पाऊंगा जिंदगी में, ये एक भ्रम है, ये एक मिथ है, ये एक झूठ है। क्यों झूठ है? देखो, आप लोग को मैं मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, सच बोलूंगा। ऐसे बहुत सारे ऑथर्स है, ऐसे बहुत सारे ऑथर जिन्होंने बहुत बेस्ट सेलिंग बुक्स लिखी है, उन बुक्स में लिखा गया है कि द ए ग्रेड स्टूडेंट्स वर्क फॉर द सी ग्रेड स्टूडेंट्स। और ये क्यों होता है? देखो, ये जो बच्चे जाने वाले हैं ना, अच्छे ये लोग को अभी अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे, अच्छे ब्रांच मिल जाएंगे, तो ये लोग अभी जॉब करेंगे, है ना, ये लोग कोई भी एक जॉब करेंगे। लेकिन ये जो जॉब करेंगे ना, इन लोग का बॉस होगा ये वाले लोग, दिस पीपल विल बी द बॉस ऑफ दिस पीपल, है ना, ये लोग इन लोग के अंडर में काम करेंगे, और ये पूरा इन लोग को पूरा संभालेंगे ये जो होंगे ना, जो फेल करते हैं, जो मार्केट में घुसते हैं, कुछ एक बड़ा करते हैं ना, वो लोग होते हैं CEOs, द बिग कंपनीज। आप कोई भी उठा लो, अमीर अमीर मतलब ऐसा नहीं कि मतलब थोड़े बहुत अमीर, मतलब बहुत ज़्यादा अमीर, आप देखोगे कि इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं, या तो फिर इस कैटेगरी में आते हैं। इस कैटेगरी में ज़्यादा बच्चे आते हैं जो अच्छे रिजल्ट लेके एक जॉब करते हैं बेसिकली, है ना। बट समझ में आ रही है? अब देखो ये क्यों होता है, एग्जाम्पल सुनो कि आज से 30 या 40 साल पहले जब आपके पेरेंट्स स्टूडेंट्स हुआ करते थे, तब डिग्री का एक वैल्यू हुआ करता था। क्यों? क्योंकि अगर तब आपको अपने अगर क्लास 12th दे दिया, अच्छा मार्क आ गए, आपको एक जॉब मिल जाएगा, या तो फिर अपने इंजीनियरिंग कर ली, आपको अब बन जाओगे इंजीनियर, लखपति बन गए, डॉक्टर बन गया, हो गए सिविल सर्विस, हो गए, डिग्री का बहुत वैल्यू था तब। लेकिन अब डिग्री का इतना वैल्यू नहीं है। अब अगर आपके पास एक डिग्री है, आपका 90% है, बहुत अच्छा परसेंट है, आपने एक अच्छे कॉलेज से कर लिया, तब भी आपको जॉब नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि अभी आपके पास डिग्री होने से मैटर नहीं करता, आपको एक स्किल भी चाहिए एडिशनल। अगर आपके पास स्किल है तभी आपको जॉब मिलेगा, आपको हाई पेइंग जॉब मिलेगा। अगर आपके पास सिर्फ डिग्री है तो वो वैल्यूलेस है, आपको पता ही है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। क्यों है? हर एक के पास डिग्री है, है ना, लेकिन स्किल नहीं है। और ये क्यों है? ये बेसिकली होता है एक मतलब गैप के वजह से। देखो, हम लोग का जो पेरेंट्स का थिंकिंग है कि बच्चा तुमको अच्छा करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ने तुम पे पैसा खर्चा है, मैंने 10 लाख देकर तुमको यहाँ पे एडमिशन दे दिया, तो तुमको अच्छा करना ही पड़ेगा, ये मिथ है। क्यों मिथ है? देखो, आप अगर अभी पैसा खर्चते भी हो ना, पेरेंट्स को मैं बेसिकली बोल रहा हूँ, आप अगर पैसा खर्चते भी हो तो आप ये मतलब एक्सपेक्ट मत करो कि भाई मेरा बेटा मेरे को इतना लागे देगा परसेंटेज। क्यों? क्योंकि वो नहीं भी ला सकता है। अगर वो नहीं ला पाया तो फिर उसको दुख लगेगा और वो फिर कुछ गलत कदम उठा सकता है। तो आप एज ए पेरेंट उसको सपोर्ट करो कि कोई बात नहीं, तेरा अच्छा हुआ, अच्छा कॉलेज भेजा, खराब हुआ कोई बात नहीं, जिंदगी बहुत बड़ी है, बहुत कुछ कर सकता है। अब देखो, बात यह है कि आप लोग का गलती क्या है? आप लोग का गलती ये है कि आप लोग मान बैठे हो कि डिग्री सब कुछ होता है ना, ये जो परसेंटेज है ये बहुत ही कुछ होता है, ऐसा कुछ भी होता नहीं है बेसिकली, ये मेरे को पता है। अब देखो, आप लोग का एक एक्सपेक्टेशन है जिसपे आप खरे उतरना चाहते हो। आप लोग का एक्सपेक्टेशन कुछ भी हो सकता है, वो हो सकता है कि आपको चाहिए 90%, आपको मिल गए 85%, तब भी आप दुखी हो जाओगे, है ना। तो अब देखो, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एक लड़की थी HSLC में, उसने फेल कर गए, फेल नहीं, उसको 60% मिला था, हाँ उसको 60% मिला, तब भी उसने सुसाइड कर लिया। जस्ट इमेजिन, वो आती है इस कैटेगरी में, वो 60% मिला उसको, लेकिन उसने कर लिया सुसाइड। क्यों? क्योंकि उसका एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुआ। तो आपका एक्सपेक्टेशन कुछ भी हो सकता है। तो मैं ये मेरा मतलब एक वो है कि एडवाइस है कि आप एक्सपेक्टेशन अभी रखो ही मत। आपका अच्छा होगा तो ठीक है, बढ़िया है, आपका खराब भी होगा तब भी आप दुखी मत होना। क्यों? क्योंकि आप एक्सपेक्टेशन मत रखो। एक्सपेक्टेशन आप रखोगे नहीं तो आपका मतलब फ्री हो गया, हाँ माइंड फ्री हो गया, हाँ जी जो भी होगा देखा जाएगा। और पेरेंट्स को मैंने बोल ही था कि पेरेंट्स आप मतलब सपोर्ट करो अपने बच्चों को, ऐसा नहीं कि मतलब यार तू तेरे को करना ही पड़ेगा, आप मशीन नहीं हो, आदमी हो ना, तो वही ठीक है। तो अब देखो यार, कुछ मैं एक चीज बोलता हूँ कि ये जो भी चीज होगा, ये जो भी रिजल्ट देंगे, जो भी बच्चे मतलब
मतलब जो भी बच्चे मेरे को देख रहे हैं, तो आप लोग किसी भी कैटेगरी में हो सकते हो, या तो आप बहुत अच्छे करने वाले हो तो बहुत हैप्पी हो सकते हो, या तो आप फेल करने वाले हो, या फिर आप सेकंड थर्ड जाने वाले हो। तो अगर आप इनमें से हो ना, तो आप लोग को देखना है कि क्या मैंने अपना 100% दिया, क्या मैंने जमकर पढ़ाई की, उसके बावजूद भी अगर मेरे को थर्ड या फोर्थ जाता हो या कुछ भी मिलता है, अच्छे परसेंट नहीं मिलते, तब भी मेरे कुछ गलती नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने अपना 100% दिया। अगर आप अपना 100% देते हो, फिर अगर आपको रिजल्ट नहीं भी आते, तब भी आप जीत गए, तब भी आप लाइफ में सक्सेसफुल बन पाओगे, है ना? राइट, ठीक है। और सेकेंड थिंग देखो, इट इज़ ए पार्ट ऑफ द गेम, इट इज़ ए पार्ट ऑफ लाइफ। ये जो एग्जाम है ना, ये जो एग्जाम है, ये एग्जाम हमेशा रहने नहीं वाला है। एग्जाम रहेगा, इट इज़ ए पार्ट ऑफ योर लाइफ, ये आपकी लाइफ नहीं है। तो इसको आप लाइफ समझ के मत बैठो कि हाँ यार मेरा ये खराब हो गया तो मेरा लाइफ ही खत्म हो गया। लाइफ बहुत बड़ी है, लाइफ का ये बस एक छोटा सा पार्ट है ना? तो आपको मैं समझाने का चाहता हूँ कि देखो, ये एग्जाम में अगर आप अच्छा करते हो तो बहुत अच्छा, खराब करते हो तब भी टेंशन मत लो। क्यों? क्योंकि ये एक पार्ट है जो आपको प्ले करना है, रोल है ना। और देखो यार, मैं एक चीज बोलता हूँ, अगर आपको अच्छा मार्क्स नहीं भी मिलते ना, तब भी आपको कुछ कॉलेज ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे आप पढ़ सकते हो, या फिर आप नेक्स्ट ईयर दे सकते हो। बहुत सारे सोल्यूशंस है ना। और आपके टाइम पे ना, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि बहुत सारे ऐसे ऐसे ऑप्शन है ना जो अवेलेबल है मार्केट में। सिर्फ ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ यही कॉलेज में हम लोग पढ़ सकते हैं, या सिर्फ यही करियर ऑप्शन है जिससे हम लोग मतलब करोड़पति बन सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उनसे पूछो जिनको 90% मिला है और अब वो क्या कर रहे हैं, और आप उनसे पूछो जिसको 40-50% मिले हैं और वो अभी क्या कर रहे हैं। मैं बोल सकता हूँ कि 50% से ज़्यादा लोग जिसको कम परसेंटेज मिले हैं वो मार्केट में घुसते हैं और वो बहुत करोड़ों कमाते हैं, लाखों कमाते हैं वो लोग। और जो भी लोग को अच्छे परसेंटेज मिले हैं वो लोग उनके अंदर काम कर रहे हैं या वो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं। राइट, तो आप अभी टेंशन मत लो कि यार जो होगा देखा जाएगा। अच्छा होगा तो बहुत बढ़िया, खराब होगा तो भी कोई नहीं, लाइफ बहुत बढ़िया है ना। ये मैं मोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बस आप लोग ध्यान से समझो कि यही सब कुछ नहीं होता, ये एग्जाम ही सब कुछ नहीं है दुनिया का। एग्जाम इज ए पार्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है? तो ये समझ के ये दिमाग में बिठा लो, और डिप्रेशन में मत जाओ, क्योंकि डिप्रेशन में जाने का ये कुछ एक खास रीजन नहीं है ना। अब मेरे इस वीडियो को जिन भी लोगों ने देखा है तो उसको शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी का हेल्प हो सके। चलो जी, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।